Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों आज हम बात करेंगे अमेजोन प्राइम वेब सीरीज मिर्जापुर सीजन 2 के एक्ट्रेस के बारे में, जिन्होंने मिर्जापुर में अपनी एक्टिंग से धूम मचा दी थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे श्रिया पिलगांवकर के बारे में। आज हम आपको इनकी लाइफ और लाइफस्टाइल के बारे में बताने वाले हैं। और अगर आप भी इनके फैन हैं तो इस वीडियो को कर दें लाइक। और अगर आप भी जानना चाहते हैं इनकी एज, एजुकेशन, इनकम, फैमिली, हाउस, कार कलेक्शन और इनके नेटवर्क के बारे में, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। श्रिया पिलगांवकर का फुल नेम श्रिया सचिन पिलगांवकर है और उनका निकनेम श्रिया है और प्रोफेशन से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। और इनका जन्म 25 अप्रैल 1989 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ और 2020 के हिसाब से 31 साल के हैं। और अब बात करते हैं श्रिया की एजुकेशन के बारे में। तो दोस्तों इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई हार्वर्ड समर स्कूल यूएसए से की और उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से की। और इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन एक्टिंग। चलिए दोस्तों बात करते हैं इनके फिजिकल स्टेटस के बारे में। तो इनकी हाइट है 5 फीट 3 इंच और इनका वेट है 50 किलोग्राम और इनका बॉडी मेजरमेंट है 33, 23 और 34। उनका आई कलर ब्लैक है, हेयर कलर भी ब्लैक है और नेशनलिटी से एक इंडियन है और रिलीजन से एक हिंदू है। दोस्तों बात करते हैं श्रिया के करियर के बारे में। तो दोस्तों जब इनकी खेलने की उम्र थी तब से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। जी हाँ दोस्तों, श्रिया ने केवल 5 साल की उम्र में एक हिंदी सीरियल तू तू मैं मैं में एक बिट्टू नाम के लड़के की भूमिका निभाई थी। और फिर उसके बाद साल 2012 में श्रिया ने करण शेट्टी की फ्रीडम ऑफ लव में मंच पर एक परफॉर्मेंस किया जिसमें इनको बहुत ही पसंद किया गया। और फिर श्रिया ने साल 2013 में डेब्यू किया फिल्म इकलौती एक से और बड़े पर्दे पर अपनी शुरुआत की जिसमें इनका नाम स्वरा था। और इस फिल्म में इन्होंने अरुण देशपांडे और नंदिनी की बेटी होने का किरदार निभाया था। और इस फिल्म में राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर श्रिया ही थी। और उसके बाद श्रिया ने साल 2015 में अनप्लस में अनन्या का किरदार निभाया था। और दोस्तों फिर श्रिया 2016 में फिल्म फैन में भी काम किया और अपनी एक्टिंग से एक अच्छी पहचान बनाई। उसके बाद श्रिया को देखा गया साल 2018 वेब सीरीज मिर्जापुर में, जिसमें ये स्वीटी गुप्ता का किरदार निभा रही थी। तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताना कि श्रिया आपको कैसी लगती हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं श्रिया पिलगांवकर की फैमिली के बारे में। तो दोस्तों इनके फादर का नाम सचिन पिलगांवकर है जो कि एक एक्टर हैं और इनकी मदर का नाम है सुप्रिया पिलगांवकर और ये भी एक एक्ट्रेस हैं। अब बात करते हैं इनके हाउस के बारे में कि श्रिया पिलगांवकर रहती कहां पर हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि श्रिया पिलगांवकर का हाउस मुंबई में है और यहां पे ये अपनी फैमिली के साथ रहती हैं और यहां पे इनका बहुत ही आलीशान एक घर है जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं श्रिया पिलगांवकर की फेवरेट थिंग्स के बारे में। तो उनके फेवरेट एक्टर शाहरुख खान और जितेंद्र जोशी हैं और उनकी फेवरेट एक्ट्रेस है कंगना रनौत। उनका फेवरेट कलर ब्लैक है। और अगर बात करें इनके फेवरेट फूड के बारे में तो दोस्तों इनका फेवरेट फूड आइसक्रीम है। अब बात करते हैं श्रिया पिलगांवकर के हॉबीज के बारे में। तो दोस्तों इनकी हॉबीज है ट्रैवलिंग और राइटिंग। जी हाँ दोस्तों, ट्रैवलिंग करना बहुत ही पसंद है। अब बात करते हैं श्रिया पिलगांवकर की कार कलेक्शन के बारे में। तो इनके पास कार है जीप कंपास जिसकी कीमत 27,60,000 रुपए है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इनकी सैलरी के बारे में कि ये पर फिल्म कितना चार्ज करती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि श्रिया पर फिल्म 1 से 2 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इनकी नेटवर्थ के बारे में। तो दोस्तों इनका टोटल नेटवर्थ है 30 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, श्रिया 30 करोड़ की संपत्ति की मालकिन है। तो दोस्तों ये था श्रिया पिलगांवकर का लाइफ और लाइफस्टाइल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को कर दें लाइक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी न्यू अपडेट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।